हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल। चलो देखते हैं, वर्कशीट 3 के लिए है, हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36 से, दिनांक 2/8/2021, विद्यार्थी अपना नाम है अपने टीचर का। चलो देखते हैं बच्चों, आज की प्रतियोगिता में हम रंगों वाला एक खेल खेलेंगे और रंगों की रंगीन दुनिया में सैर करेंगे। जैसे सिया, चलो ना कटे पतंग कौन सा रंग है वाला खेल खेलते हैं। नूरी, चलो खेलते हैं कटे पतंग गुलाबी मेरा रंग। सिया और विजय दौड़कर गुलाबी रंग छूते हैं। बच्चों, आप भी अपने आसपास दिखने वाली गुलाबी रंग की कहीं दो चीज़ों के नाम बताइए। विजय कटे पतंग सुनहरा मेरा रंग। बच्चों, आप दो सुनहरी रंग की चीज़ों के नाम बताइए। बेटा, आप है ना, कोई आपके पास जो भी गुलाबी रंग की दो चीज़ें हैं, आप उसका नाम बताओगे। और विजय, जैसे कटे पतंग मेरा सुनहरा रंग, बच्चों आप दो सुनहरी रंगों की चीज़ों के भी नाम बताओगे। उसका सुनहरा रंग है तो आप भी सुनहरे रंग की भी दो चीज़ों के नाम बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन थे, खाली जगह में अपनी पसंद का रंग भरो और भरे हुए रंग में नाम लिखो। जैसे इसने भरा लाल, ठीक है। उसके बाद भरते हैं हम दूसरे में पीला। आप पीला फुल कर दोगे बेटा और यहाँ लिखोगे आप पीला। फिर हैं हम भरते हैं गुलाबी, हम लिखेंगे गुलाबी, ठीक है। उसके बाद हम भरते हैं हरा। उसके बाद हम भरते हैं काला, काला, ये हम भर दिया काला। उसके बाद हम सफ़ेद करते हैं, तो यहाँ सफ़ेद है तो हम सफ़ेद लिख देती हूँ, ठीक है बेटा। ऐसे आप और भी अपने पसंद से रंग कर सकते हैं। क्वेश्चन टू, बच्चों ये मज़ेदार पहेलियाँ बोल कर पढ़ते हैं और उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे सात रंगों का धनुष कहलाता, बारिश के बाहर में आता क्या है? इंद्रधनुष। क्या है? इंद्र धनुष। वेरी गुड। गोल गोल फल हूँ, ऐसा रंग जैसे नाम वैसा क्या है? संतरा। संतरी कलर भी होता है ना, संतरा, उसका नाम भी संतरी होता है कलर, और वैसे ही वो गोल होता है। ऊपर दूर आसमान में उड़ती जाऊँ, रंग बिरंगी मैं कहलाऊँ, क्या उड़ती है? पतंग। क्या है? पतंग। आगे देखिए, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिए गए व्यक्ति आप क्या बातें कर रहे हैं? ये अनुमान है लगाकर उनके अनुसंवाद और जोर जोर से बोलिए, अपनी कॉपी में लिखिए। टीचर के अनुदेशन बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में अच्छे आंसर बात करें। अभाव के लिए, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ पतंगबाजी से जुड़ा हुआ कोई मज़ेदार अनुभव साझा करें। वे साथ ही पतंग के मांझे से पक्षियों को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताओगे। चलो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका में ज़रा लगी ना, एडजस्टमेंट बताइए कि आज आपने नया क्या सीखा। COVID-19 से रिलेटेड मैसेज, अपने हाथों को साबुन में पानी से नीम से धोए। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय।